Hey guys, अभी हम लोग अपने ग्वालियर जंक्शन आ गए हैं और अब यहाँ से हमारी पंजाब के लिए ट्रेन है, तो चलिए दिखाते हैं आपको ये वाली भी ट्रेन की जर्नी। एस्ट्रो में हमारी वो वाली ट्रेन थी 11 बजे और ये वाली वो ट्रेन थी 9 बजे, फिर हम ग्वालियर आए 12 बजे, फिर हम अब 5 बजे अब हम दोबारा से ग्वालियर स्टेशन आए, सॉरी ग्वालियर जंक्शन आए। अब हम बताते हैं आपको अब हम आगे क्या करेंगे। घर का कुपोषित आदमी इतना बड़ा बैग लाते हुए हमारे ग्वालियर का जंक्शन। बुक्कड़ नंबर 1 waiting for a train. Mommy say hi. Ashu say hi. Chit. Kitna camera face kitni jaldi kiya. Waiting for a train. Gaadi number 420 Zoya ko le. Mummy bol rahi hai hame mat dikhana, hum lipstick nahi lagaye. My mama bag with lipstick. Hum to naturally khul gaye. अच्छा जोक था ना, जोक अच्छा तो कमेंट में बताना। जल्दी आओ, अरे नीचे से जा गए यहाँ। अरे ये है ऐसे नहीं होगा, करना चाहिए नीचे ना गिरना। अरे मैं अजीब लग रहा हूँ, भागा थोड़ी हूँ। तो सच में बेकार लग रहा हूँ, बैग टांग में ऐसा लग रहा हूँ भागा। ओके फर्स्ट फ्लोर, हमें सेकंड फ्लोर पे जाना नहीं था, हमें फर्स्ट फ्लोर पर पता नहीं हमें कहाँ आना था। आई डोंट नो बेबी, आई डोंट नो। दिखाओ फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ट्रेन में थे, तो मैं आप लोगों को पूरी बात बताती हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ। सबसे पहले हम हमारी ट्रेन में चढ़ गए, हमें D1 में चढ़ना था, हम D3 में पहुँच गए और D1 हमारे सबसे आगे थी, सबसे फर्स्ट वाले इंजन पे। अब हम लोग 2 घंटे तक खड़े आए, फिर हम जैसे ना तैसे अपने उसमें आने लगे, इतने में ट्रेन चल गई, फिर जो भी था हम उसके अंदर घुस गए। अब जाके हमें कहीं ना कहीं इतने टाइम बाद हमारी प्लेस मिली है, तब हम चैन से बैठे हैं और आशु और मम्मी भी बैठी हुई हैं बराबर में, और अब मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है क्योंकि रात भर हो गई यार, मैं बिल्कुल भी नहीं सोई। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा सो लूँ क्योंकि अभी अपन लोगों को बहुत दूर जाना है। मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। और मैं आप लोगों को अपने ट्रेन की मस्ती इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि हम लोगों को हमारी ट्रेन ही नहीं मिली, मतलब ट्रेन तो मिली मगर हम लोगों को हमारी जगह ही नहीं मिली, तो मैं आप लोगों को कैसे दिखाती। चलो कोई बात नहीं, खैर मस्ती तो नहीं, हम लोगों का ज़्यादा दिमाग टेंशन मेरा, भागते 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 इतनी लंबी ट्रेन थी। खैर कोई नहीं, क्या बोलते हैं, देर से आए भले आए, पता नहीं जो भी होता। हाँ खैर मैं बताती हूँ आगे हम क्या करते हैं, घर पहुँचने तक का मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। मतलब कभी कभी मेरे को ऐसा फील आता है कि इस घर में सिर्फ रिस्पॉन्सिबल इंसान मैं ही हूँ। देखो आशु भी घोड़े घाड़े बेच के सो गया, मम्मी भी घोड़े घाड़े बेच के सो गया और मैं सो ही नहीं पाई। आपको दिखाती हूँ, देखो मम्मी भी मस्त तो बक्के सो रही है, भाई भी मस्त सो रहा है मेरा, इनका मेरे ब्लॉग में कोई योगदान नहीं है। देखा आप लोगों ने, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही फॉलो करनी होती है, मैं ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में हम लोगों ने कल नाइट स्टे किया जैसे भी, क्योंकि हम लोग की मॉर्निंग में ट्रेन थी और हम लोग ग्वालियर मतलब शुक्री से ग्वालियर सुबह मतलब रात को ही पहुँच गए थे 12 बजे समथिंग। अब देखते हैं, अभी तो बहुत ज़्यादा सफ़र बाकी है और आप लोगों को हम पूरा इन्जॉयमेंट कराते रहेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज्यादा थकावट होगी। नहीं मैं तो बढ़िया बैठी हूँ, वीडियो बना रही हूँ मैं आप दोनों की। नहीं मैं तो चार्ज करके रख के ली थी बढ़िया से। तो हे गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया है कि हम लोग पंजाब आए हुए हैं, पंजाब में हमारी मासी के घर आए हुए हैं। अब मैं ऐसे ही ट्रेन के कपड़ों में हूँ अभी तक, मतलब जो ट्रेन में मैं कपड़े पहन के गई थी, मैं बहुत ज़्यादा ऐसे अजीब अजीब सी हो रही हूँ। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताती हूँ, ये देखो यहाँ अपना चूल्हे पर खीर बन रही है, कितनी शानदार लग रही है। वाओ, तो मैंने दिखाया कि मेरी एकदम नज़र पड़ गई, और मैंने बोला कि यह तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो बस इतना ही कहना है कि अब अपन ट्रैवलिंग का व्लॉग जो है वो यहीं पर एंड करते हैं, और हम आगे कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, पंजाब में हम कहाँ कहाँ घूमेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अपना बहुत सारा प्यार मुझे ऐसे ही देते रहना। आई लव यू ऑल।